प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और इसी को लेकर जयपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तैयारियों के साथ मतदान करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि जयपुर में कुल 4367 मतदान केंद्रों पर मतदान करवाया जा रहा है और इनमें से 1102 संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल है। यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर जैसे माध्यमों से निगरानी रखी जा रही है और ऐसे में बूथों पर निगरानी रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और साथ ही जिन बूथों पर किसी भी तरह की समस्या की शिकायत मिल रही है उन समस्याओं को संबंधित आरओ को सूचित करके निवारण किया जा रहा है। प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जहां मतदान में जयपुर जिले के दो लोकसभा सीटों के साथ साथ जो अन्य जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर यानी कि मतदान हो रहा है, जहां जयपुर निर्वाचन विभाग की ओर से जो तमाम तैयारियां की गई उनमें हम दिखाना चाहेंगे जो निर्वाचन विभाग की ओर से जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जो वेबकास्टिंग की जा रही है, जहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है जयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में जो तमाम जो वीडियो वेबकास्टिंग हो रही है, जो तमाम जो मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग वो यहाँ पर जा रही है, जिनका कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर पूरा निर्णय एक एक जो मतदान केंद्र है उनका जो निरीक्षण किया जा रहा है, जो जिस प्रकार की किस प्रकार जो अति कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर मुख्य रूप से जो जिला निर्वाचन विभाग है वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जो तमाम जो तैयारियां हैं वो आपको यहां दिखाना चाहेंगे, जो वेबकास्टिंग की जा रही है यहां, साथ ही साथ जो मतदान केंद्रों पर जो वेब वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और जो तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर और वेबकास्टिंग के जरिए यहाँ जयपुर जिला कलेक्टर परिसर में कंट्रोल रूम में निगरानी रखी जा रही है। जहाँ बात करें वेबकास्टिंग की, जयपुर जिले में कुल इनकी 144 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है, जिसमें जयपुर शहर में 145 और जयपुर ग्रामीण में 144 जो मतदान केंद्र है वहाँ पे वेबकास्टिंग की जा रही है। इसमें सबसे अधिक जो जोठड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर वेबकास्टिंग की जा रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र आता है जो जोठड़ा आता है, जहाँ पे एक तकरीबन 30 जो मतदान केंद्र है वहाँ पर वेबकास्टिंग की जा रही है। तो वेबकास्टिंग जो आप जो तस्वीरें देख रहे हो वो यानी कि पूरी तरह से जहाँ पे मतदान केंद्र है उसमें किस प्रकार जो मतदाता वोट डालने के लिए आ रहा है, वोट डालने अंदर प्रवेश कर उससे साथ साथ जिस बार वोट डालने के बाद बाहर प्रवेश कर रहा है, उन तमाम जो तस्वीरें वो यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे साथ वेबकास्टिंग जो प्रकोष्ठ के प्रभारी है वो हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं किस प्रकार जो ये निगरानी की जा रही है। सर, किस प्रकार जो निगरानी की जा रही है? ठीक है, जयपुर ज़िले में कुल 310 वेबकास्टिंग मतदान केंद्रों से की जा रही है। इसमें मैं ब्रेकअप दूं आपको तो जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में 145 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की जा रही है, जयपुर ग्रामीण के 144 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की जा रही है। इसके अलावा जयपुर ज़िले के चौमू, बस्सी, चाकसू, दूदू जो कि दूसरी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं यहाँ भी अलग अलग मतदान केंद्रों पर की जा रही है। कुल मिला के 310 मतदान केंद्रों पर जयपुर ज़िले में वेबकास्टिंग की जा रही है। इसमें वेबकास्टिंग के साथ साथ ऐसे कौन कौन से जो वो अन्य जो ऑनलाइन तरीके हैं जिनके द्वारा पूरी तरह निगरानी की जा सकती है और मॉनिटरिंग की जा सकती है? देखिए, वेबकास्टिंग के अलावा ये जो संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं वहाँ हम चार माध्यम से निगरानी करते हैं। पहला माध्यम वेबकास्टिंग हो गया, दूसरा है माइक्रो ऑब्जर्वर्स, तीसरा सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज और चौथा वीडियोग्राफी। इन चार माध्यमों से हम यहाँ से निगरानी करते हैं। अभी आप इस कंट्रोल रूम में देख सकते हैं कि हमने जो स्क्रीन्स लगा रखी हैं इन पर हम जो चयनित मतदान केंद्र जहाँ से वेबकास्टिंग की जा रही है उनके व्यू हम यहाँ से चेक करते हैं और किसी मतदान केंद्र में कोई गड़बड़ी हमें यहाँ से दिखती है तो हम तुरंत यहाँ से संबंधित PRO को फ़ोन करके और वहाँ जो भी संबंधित स्टाफ लगा हुआ है उसको निर्देशित करते हैं और वहाँ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर अन्यथा किसी मतदान केंद्र पर अनहोनी की सूचना आती है उसके बाद किस प्रकार एक्शन लिया जाता है यहाँ से? सर, उसके लिए इमीडिएटली जो भी संबंधित ARO हैं और क्षेत्र के जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको तुरंत सूचित किया जाता है और वहाँ पुलिस जाब्ता भिजवाया जाता है जरूरत के अनुसार और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, तमाम तैयारियों के साथ में हम वेबकास्टिंग की जो सुविधा शुरू की गई निर्वाचन विभाग की एक जो नई पहल है इसको माना जाता है, क्योंकि जो अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा की जाए कि कहीं अनहोनी नहीं हो और उस अनहोनी को रोकने के लिए वेबकास्टिंग की और साथ साथ जो अन्य जो तमाम जो माध्यम हैं उनके साथ निगरानी की जा रही है। जयपुर से रामरतन सैनी के साथ लोकेश ओला A1 TV।